ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम भराणने। ओम वंदे देवमावतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषण मृगधरम वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे वक्तजनाश्रयांच वरदां वंदे शिवम शंकरम। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सनातनियों को 22 जनवरी को जो रामलला जी अपने देवालय में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं इसकी बहुत अधिक अधिक शुभकामनाएं देता हूं, और साथ में सभी सनातनियों से ये अनुरोध करता हूं कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी जो कि पिछले 500 साल से जो है टेंट में निवास कर रहे थे, लेकिन हम सनातनियों ने उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन चलो पूर्व कुछ वर्षों से प्रयासरत हुए लोगों का जो परिश्रम है वो आज सफल हुआ। तो 22 जनवरी को जो रामलला के प्रतिष्ठा के दिन सभी सनातनी जो कहीं मंदिर में जा सकते हैं मंदिर में जाकर, एवं जो नहीं जा सकते वो घर में ही प्रतिष्ठा के समय भगवान राम जी का भजन कीर्तन श्री राम जय राम जय जय राम इसका जो है जाप करते रहें, राम स्तुति का पाठ करें, वो ना कर सकें तो हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो करते रहें। ये हमारे लिए सनातनियों के लिए एक बड़ा सौभाग्य का समय है कि भगवान राम जिनके लिए मैंने सबसे पहले श्लोक बोला कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम भराणने, भगवान राम जी के, राम जी खुद बोलते हैं कि मेरे से भी भगवान मेरा जो नाम है वो शक्तिशाली है, क्योंकि जैसे रामायण में आता है कि जब राम सेतु का निर्माण हुआ तो वानरों के द्वारा जो पत्थर रखे गए पुल बनाने के लिए तो उनके ऊपर राम नाम लिखा गया, लेकिन बीच में उस सेनाओं के द्वारा राम जी से अनुरोध किया गया कि प्रभु आप भी पत्थरों को रखिए ताकि जल्दी से जल्दी पुल बने और हम माता सीता जी को लंका से छुड़ाकर वापस ला सके। तब राम प्रभु जी ने जो अपने हाथों से पत्थर रखे वो सब डूबते गए, ये देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए कि प्रभु आप जो पत्थर रख रहे हैं वो तो डूब रहा है, पुल जल्दी से कहां से बनेगा। तब प्रभु राम जी ने उनसे कहा कि जिसको मैं अपने हाथों से छोड़ रहा हूं वो कैसे तैरेगा। कहने का मतलब प्रभु राम जी ने जो पत्थर रखे वो सब डूबते गए, लेकिन जो उनके नाम से अंकित थे वो सारे पत्थर तैरते गए। तो इसी के अनुसार आप सभी को मैं ये इनके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि उस दिन जितना हो सके प्रभु राम जी के नाम का जो है जाप करें, इसी से कल्याण होगा, इसी से भारत जो है एक स्वप्न है कि विश्व गुरु बनेगा, तो इसी नाम के आधार से नाम की शक्ति से ही ऐसा संभव हो सकता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, सत्य सनातन धर्म की जय। श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननम भूतकनादिसेवितम कपितजम्बूफलचारु भक्षणम उमासुतम शोकविनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हम ये लास्ट मोड़ गांधीनगर का केदारेश्वर मंदिर है, और यहाँ हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमारे रामलला अयोध्या में आ रहे हैं, और इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमसे जो भी होगा हम कर रहे हैं, अपनी तरफ से भी कर रहे हैं, सभी का सहयोग भी है, और जो हमसे हो सकता है वो हम कर रहे हैं।
ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी वरुण रघुबर विमल जशु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोही हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी जम्मू वासियों को देशवासियों को पंडित आशीष की तरफ से जय सीताराम जय राधे राम जय सीताराम। तो आपको काफ़ी खुशी होगी कि 22 जनवरी को हमारे प्रभु श्री राम जी अपनी विराजमान अपनी गद्दी पे विराजमान हो रहे हैं माता सीता जी के साथ हनुमान जी के साथ भगवान लक्ष्मण जी के साथ। तो हमें सनातन धर्म में इतनी खुशी और उल्लास है कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना सराहनीय योग्य काम किया कि हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। तो भगवान राम जी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। बाकी मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी को यही कहूँगा कि 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री राम जी का अपने घर में दीपावली की तरह गुणगान करें दीप जलाएं और भगवान प्रभु श्री राम जी की आरती करें जिससे हमारा एक दीप जलाने से उनके अयोध्या जैसी नगरी सब नगरियों जैसी अयोध्या नगरी हो जाए और भगवान प्रभु श्री राम जी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। कहते हिंदू धर्म में जो भी अच्छा काम है उसके लिए हम हर एक हिंदू को गर्व होना चाहिए। हमें एकत्रित होकर भगवान प्रभु श्री राम जी के गुणगान करने चाहिए जिसके हमारा सनातन धर्म की एकता बढ़े और मान सम्मान बढ़े और हर एक बच्चे को जिस दिन 22 जनवरी भगवान राम जी की प्रदान प्रतिष्ठा की जा रही है रामलला यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं तो उस दिन खड़े होकर भगवान प्रभु श्री राम जी का हनुमान चालीसा का पाठ करें प्रभु राम जी की स्तुति करें जिससे हमारे धर्म की एकत्रता होकर खूब धर्म का प्रचार और प्रभु श्री राम जी की कृपा आप सभी भक्तों को पर बनी रहे। जय श्री राम।